क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है? इस बात का तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो व्यक्ति पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाता है। उससे संबंधित उसके जीवन की कहानियाँ समाचार पत्रों में छपती हैं, साथ ही रेडियो टेलीविज़न पर बार बार उसका टेलीकास्ट किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल होती है, तो आपको ये जान लेना भी ज़रूरी है कि नोबेल पुरस्कार आखिरकार क्या है और क्यों दिया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि नोबेल पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसमें गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और एक धनराशि होती है जो पुरस्कार में व्यक्ति को दी जाती है। बात ये भी आती है कि ये नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो विशेषकर ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, साहित्य और शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा। इस प्रत्येक क्षेत्र में एक एक पुरस्कार दिया जाता है, और अगर ऐसा हो कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति हो तो धन राशि को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार के आरंभ की, तो देखिएगा, बात करें तो इसके कहने का मतलब, जो वैज्ञानिक थे जिसके नाम पर दिया जाता है उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनके नाम पर इनका पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ, स्टॉकहोम में हुआ, और 10 दिसंबर 1896 में इनकी शिक्षा रूस में हुई, किंतु ये स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ की खोज भी की, जिसका प्रयोग चट्टानों को तोड़ने, पेट्रोल के कुएं खोदने और युद्धों में बहुत अत्यधिक हुआ। और ये इस पदार्थ के प्रयोग के कारण यूँ कहें कि ये संसार भर में प्रसिद्ध हो गए और इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इनकी मृत्यु के समय इन्होंने एक वसीयत की थी, और इस धनराशि से प्राप्त होने वाले ब्याज को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा साहित्य, शांति प्रयासों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने में लगाया जाए, ऐसा लिखा था। इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार पड़ा। पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में रंटगेन नामक वैज्ञानिक को दिया गया। इन्हें एक्स किरणों के अनुसंधान के लिए पुरस्कृत किया गया था। और बात करें तो इस पुरस्कार जो है, जो भी व्यक्ति पाता है उसे संसार में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। अब बात करें तो नोबेल फाउंडेशन ऑफ स्वीडन नामक परिषद नोबेल पुरस्कारों का वितरण करती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और भौतिक रसायन रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों का चयन करती है। चिकित्सा विज्ञान के लिए कारोलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम, साहित्य के लिए स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर।